इस अनंत असीमित ब्रह्मांड में ऐसे कई राज स्वप्न हैं जिनके ऊपर से अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है। हमारी वैज्ञानिक उन्नति ने भले ही कई अनजाने पहलुओं को जाना है, पर आज भी मूलभूत सवाल ज्यों के त्यों बने हुए हैं। उन्हीं में से एक सवाल है, क्या पृथ्वी के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन पनप रहा है, या कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एडवांस लाइफ ब्रह्मांड के किसी ग्रह पर मौजूद है। इन सवालों के उत्तर की खोज में वैज्ञानिक लंबे समय से लगे हुए हैं, पर आज तक इनका जवाब नहीं मिला है। हालांकि ऐसी कई घटनाक्रम इतिहास के पन्नों में दर्ज है जिन्होंने उस दौरान एलियन लाइफ को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। उनमें से एक है वाओ सिग्नल। कहा जाता है वाओ सिग्नल के माध्यम से एलियन ने पृथ्वीवासियों के साथ संपर्क करने की कोशिश की थी। कुछ का कहना है ये किसी स्टार की वजह से हुआ था। तो आइए जानते हैं क्या है इसकी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्ट साइंस में, और आज हम आपको वाओ सिग्नल के रहस्य के बारे में बताएंगे। 15 अगस्त 1977 को ओहायो राज्य में स्थित एक विश्वविद्यालय के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक अज्ञात सिग्नल कैच किया। यह टेलीस्कोप एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज के लिए यूज होता है। यह रहस्यमय सिग्नल करीब 200 लाइट ईयर्स दूर से आ रहा था, जहां सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन है। जब इस सिग्नल को एस्ट्रोनॉमर जेरी ई रहमन ने डिकोड किया तो उन्हें काफी हैरानी हुई। सिग्नल को डिकोड करने के बाद उन्होंने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस 6EQUJ5 पर लाल रंग से सर्कल करके उसके पास वाओ लिख दिया। तब से इस सिग्नल को सब वाओ सिग्नल के रूप में जानते हैं। यह सीक्वेंस का सिग्नल लगभग 72 सेकंड्स के विंडो तक ट्रांसमिट हुआ जब इसे बिग एयर टेलीस्कोप द्वारा कैच किया गया था। लेकिन उस दिन के बाद से आज तक यह सिग्नल फिर से कभी वापस नहीं सुनाई दिया। सिग्नल्स हमेशा डिजिट्स और अल्फाबेट्स के कुछ पैटर्न में होता है, जिसमें यू का अर्थ होता है सबसे शक्तिशाली सिग्नल। इस सीक्वेंस में भी एक यू था जो बताता था कि सिग्नल काफी स्ट्रॉन्ग था। ये एक नॉर्मल सिग्नल से लगभग 30 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस सिग्नल की एक्सप्लेनेशन के लिए कई एस्ट्रोनॉमर्स ने संभावना जताई कि हो सकता है इसे किसी एडवांस एलियन लाइफ ने हमसे संपर्क करने के लिए भेजा हो। हालांकि सेंट्रल ऑफ प्लैनेटरी साइंस के कुछ संशोधकों ने जब इसे सॉल्व करने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज के आसपास थी, जो कि हाइड्रोजन गैस की इमिशन फ्रीक्वेंसी के बराबर है। एस्ट्रोनॉमर एंटोनियो की माने तो यह सिग्नल किसी धूमकेतु पर स्थित हाइड्रोजन के बादल से आया है जो कि अब वहां नहीं है। ऐसे होने की संभावना काफी ज्यादा है। लेकिन फिर क्यों उस दिन सिर्फ इसी एक टेलीस्कोप में यह फ्रीक्वेंसी कैच की थी और कोई भी टेलीस्कोप और VLR ने कोई सिग्नल डिटेक्ट नहीं किया था? और क्यों इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जेरी एहमन ने यह साफ बताया था कि जिस डायरेक्शन से यह सिग्नल आ रहा है वहां कुछ भी नहीं है? ऐसे कई सवालों के साथ वाओ सिग्नल अब तक का एक सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्या सच में उस रात एलियंस ने हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, या ये फ्रीक्वेंसी सच में सिर्फ एक धूमकेतु के हाइड्रोजन क्लाउड से आ रही थी? दोस्तों, आपका इस विषय में क्या ख्याल है? क्या आप एलियन में विश्वास करते हैं? हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।